नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आप ऐसे ही हमारे YouTube चैनल को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। दोस्तों आज हम फिर बात करेंगे इस पिछले वीडियो में जो मैंने आपको बताया था कि इस प्रिंटर का सारा मतलब पार्ट्स एक एक मतलब क्या कौन सा क्या पार्ट्स होता है। और आज हम बताएंगे कि जैसे इसमें मैंने आपको बताया कि हेड कैरिज मोटर, पेपर फीड मोटर और सर्विस स्टेशन। तो आज हम आपको बताएंगे हेड कैरिज मोटर से रिलेटेड जितने पार्ट्स होते हैं उसके काम, ठीक है, और उसके क्या क्या फॉल्ट आते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हमने इससे पहले सबका हमने इसका सारा पेच वगैरह निकाल रखा है, ठीक है, और हमने बस ओपन करके इसको रखा हुआ है, ठीक है। और अब हम आपको दिखा देते हैं कि तो फिर आप देख सकते हैं कि इसमें मैं पहले आपको बता दूं कि इस हेड कैरिज मोटर रिलेटेड पार्ट्स को निकालने के लिए कितने पेंच इस पे लगे होते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक पेंच यहाँ पे होता है, एक दो तीन चार पाँच छः, टोटल छः इस पे पेंच लगे होते हैं। छः निकालने के बाद आप यहाँ पे नीचे से पत्ता जो हेड का केबल है वो और मोटर का कनेक्टर निकाल लेंगे, ठीक है। और मोटर कनेक्टर निकालने के बाद अब मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि मैं अगले वीडियो में फिर अब इसका सर्विस स्टेशन और पेपर फीड मोटर जो है इसे इसका मैं बतलाऊंगा। तो पहले मैं केवल आज इसका बतला रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं तो एक एक अलग अलग, तो इसका हम आपको डिटेल देंगे। तो आज हम सिर्फ हेड कैरिज मोटर से रिलेटेड जो पार्ट्स है उसका बात करेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं एक बार फिर से आपको बतला दूँ कि ये आपका हेड होता है, ये है आपका एनकोडर सेंसर, ये है आपका शाफ्ट हेड कैरिज शाफ्ट, ये है बेल्ट हेड कैरिज बेल्ट, ठीक है। और इसमें आपको यहाँ पे है एनकोडर सेंसर और इसको बोलते हैं एनकोडर स्ट्रिप, ये जो है ये स्ट्रिप है एनकोडर स्ट्रिप। और यहाँ पे जो लगा है उसको आप देख रहे होंगे कि ये है एनकोडर सेंसर, ठीक है। अब इसको बात करते हैं कि कैसे आप खोलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो स्प्रिंग लगी हुई है ना, तो सबसे पहले सीलोक लगा होता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले सीलोक लगा होता है, उसके बाद स्प्रिंग लगी होती है, ठीक है। तो सीलोक तो हमने पहले ही निकाल रखा है ताकि हमको खोलने में ज़्यादा टाइम ना लगे, ठीक है। तो ये मैंने स्प्रिंग निकाला, इसके बाद सीलोक होती है, स्प्रिंग यहाँ पे होता है, उसके बाद सीलोक लगा होता है, ठीक है। तो सीलोक निकालने के बाद आपको क्या करना है कि इधर से हल्का सा पकड़ेंगे और इधर से धीरे 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 करके इसको आप बाहर कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो पहले अब इसकी बात करते हैं, ये सॉफ्ट होता है, ठीक है। इस पर दिक्कत क्या आती है, ज़्यादा दिन ऐसे प्रिंटर को छोड़ देने के बाद इस पर जंक लग जाता है जिसके कारण आपका जो हेड है ये सही से रन नहीं कर पाता है, इस पर दौड़ नहीं पाता है। तो इसको क्लीन हमेशा रखें, पे जंक लग जाने के कारण होता क्या कि ये बार बार रुकता है। तो इसको क्या करेंगे कि सबसे पतला वाला मार्केट से स्क्रेच कागज लेकर आएंगे, ठीक है, स्क्रेच पेपर सबसे पतला वाला लेकर आएंगे और इसको क्लीन करेंगे खूब अच्छी तरह से क्लीन करके। और इस पर क्या करेंगे, मशीन ऑयल या सिलिकॉन ग्रीस या सिलिकॉन ऑयल इस पर डाल देंगे और आपका हेड का जो इसमें बूस होता है, ठीक है, किसी किसी हेड में बूस भी लगा होता है तो उसको आपको क्लीन करना पड़ता है, या बूस कट जाने की वजह से ये आपका फिर, क्योंकि ये सही होगा अगर बूस कट जाएगा तो ये आपका सही से रन नहीं कर पाएगा। तो आपको बूस भी यहाँ पे चेक करना होगा और इसमें बूस नहीं है, ये ऐसे ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बूस लगा होता है पर इसमें नहीं लगा हुआ, इस प्रिंटर में नहीं लगा, किसी किसी में लगा होता है, ठीक है। तो इसका प्रॉब्लम क्या आएगा, इसके वजह से आपका हेड रुक रुक कर चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे आते हैं, इसके बाद दोस्तों आते हैं कि ये है एनकोडर स्ट्रिप, ठीक है, एनकोडर स्ट्रिप। आपको ध्यान देना है यहाँ पे कि आप अगर एनकोडर स्ट्रिप निकालते हैं तो ये इस एरो पे ध्यान देना है कि ये जो एरो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो एरो है ये अगर ऊपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ जब लगाएंगे तो ऊपर की तरफ ही फिर कर देंगे, ठीक है, या इस साइड है तो इस साइड आपको नहीं करना है, अगर यहाँ पे एरो है तो एरो को इस साइड नहीं करना है, ठीक है, यानी एक्सचेंज नहीं होना चाहिए। और वो एरो ऊपर है तो ऊपर रहेगा, अगर जिसमें नीचे है उसमें नीचे रहेगा, ठीक है दोस्तों।
चलिए आइए अब इसको निकालते हैं। निकालने के कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे ठीक, यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको पुश करना है। ठीक है, यहाँ पे उंगली रखेंगे, ये वाली एक यहाँ पे रखेंगे और हल्का सा पुश करेंगे और यहाँ पे ध्यान दें कि यहाँ पे ऐसे पकड़ के और ये पीछे की तरफ निकाल लेंगे, क्योंकि बहुत नाजुक होता है और तुरंत फट जाता है दोस्तों। इसके बाद क्या करना है कि इसको यहाँ से पीछे की तरफ ऐसे निकाल लेंगे और पीछे निकालने के बाद इसको क्या करेंगे कि इसको ऐसे घुमा लेंगे, ऐसे सीधे घुमाएंगे और सीधे करके ऐसे करके निकाल लेंगे। ठीक है, इसको निकालने के बाद इसको आप एकदम इसे खींच के बाहर निकाल सकते हैं। अब इससे प्रॉब्लम क्या आता है दोस्तों, ये मैं बताता हूँ। इसको इससे ज़्यादा प्रॉब्लम आते हैं आपको कि आपके पेपर पे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल दो तरह की लाइन आती है। ठीक है, तो अब मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि हॉरिजॉन्टल किससे आता है और वर्टिकल किससे लाइन आता है। ठीक है, तो आप बस इतना देखिए कि इससे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको लाइन वगैरह होता है जो आपके पेपर पे वो आता है। पेपर पे लाइनिंग एक हेड के वजह से भी, जो काटेज होती है ना, काटेज की हेड होती है, उसके वजह से भी लाइनिंग आती है। ठीक है, तो इसको क्या कर रहा है कि नॉर्मली आप इसको क्लीन करके लगा सकते हैं। हाँ, इस पर कोई दाग धब्बा नहीं होना चाहिए, स्क्रम नीट एंड, तो ये जो है इसको एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ठीक है, और जैसे निकालेंगे वैसे ही आपको क्लीन ऑन करके फिर से लगा देनी है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको रखे हैं, अब आते हैं इस पर। ठीक है, इसको निकालने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पेंच लगा हुआ है, तो पेंच को लूज करेंगे। ठीक है, पेंच को लूज करने के बाद, पेंच को लूज करने के बाद यहाँ पे पुश करना है। ठीक है, पुश करेंगे और यहाँ से बेल्ट को रिमूव कर लेंगे। जैसे देखिए कैसे मैं रिमूव कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ कि यहाँ से ऐसे पुश कर रहा हूँ। इसे पुश करने के बाद इधर ध्यान देंगे और यहाँ से आपको इसको निकाल लेना है। ठीक है, ये आपका बेल्ट निकल गया इसमें से। फिर अब ये क्या करना है कि यहाँ पे जैसे हेड कैरिज रेल, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि इसमें हेड कैरिज रेल होता था। रेल क्या करता है कि इसको पकड़ के रखता है, यानी इसको बेस प्रोवाइड करता है, सपोर्ट देता है पीछे से। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से पकड़ा होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये इस रेल को ऐसे पकड़ा होता है और इसी के सहारे पीछे से ये चलता है। ठीक है, ये तो हम इसको रिमूव करेंगे। ठीक है, इस तरह से रिमूव करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हेड कैरिज रेल में ये पकड़ा होता है। ये यहाँ पे बेल्ट का लॉक है, ये भी हम आपको बताएंगे किस तरह से निकलेगा और कैसे लगेगा। तो इस उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो हेड का केबल है इसको रिमूव करना है। तो इसको रिमूव करने के लिए ये जो पॉइंट है इसको पकड़ के ऐसे उठा देंगे, ऐसे पकड़ के उठाएंगे, ऐसे पकड़ के उठा लेंगे। ठीक है, और फिर इसको पीछे की तरफ स्लाइड करेंगे, ऐसे स्लाइड करके निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि होता क्या ना, यहाँ पर ये जो लॉक है ना, ये इसमें फंसा होता है। ठीक है, आइए ये अब अलग हो गया है। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि अगर आपको बाय द वे अगर आपका बेल्ट टूट जाता है या चूहा काट देते हैं, ठीक है, तो इसको रिमूव करना पड़ता है। तो रिमूव करें फिर दूसरा कैसे लगाएंगे, इसके लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो लॉक है, ये दो ठो इधर लॉक है और दो ठो अंदर की तरफ लॉक है। तो क्या करते हैं कि इसको इस तरह से ट्विजर लेंगे और इसको अंदर से ऐसे लगा के निकाल लेंगे। ठीक है, लॉक, और फिर आगे से भी इसे पकड़ के रिमूव कर लेते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि लॉक किस तरह से पकड़ा हुआ है। एक देख सकते हैं कि ये किस तरह से है, दोनों तरफ से ऐसे बना हुआ है लॉक पकड़ने वाला। ठीक है, तो इसको आप ऐसे ही निकाल लेंगे। निकालने के बाद आप इसको इजीली बाहर निकाल सकते हैं और फिर लगा सकते हैं। ठीक है, लगाकर फिर आपको क्या करना है कि लॉक को ऐसे हल्का सा दाबकर और फिर इसमें बैठा देनी है। ठीक है, बैठाने में कोई दिक्कत नहीं होता है, बस निकालने के लिए ही दिक्कत होता है कि कैसे निकाले। ठीक है, यहाँ पे सॉरी, हाँ ए बैठ गया। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं यहाँ पे इस सर्किट पे। ठीक है, अगर आपका प्रिंटर
यहाँ पे डिटेक्ट नहीं कर रहा है, आपका कार्टेज डिटेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको हल्का सा वाश वाश करके और हॉट एयर गन से हल्का सा हीटअप कर देंगे, ठीक है। अगर इसके बाद भी अगर नहीं हो रहा है तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि आईपी वगैरह लेकर और टिश्यू पेपर से आईपी हल्का सा लेंगे हाथ में, टिश्यू पेपर से इसको खूब अच्छे तरह से साफ करना है, पहले खूब अच्छे तरह से रगड़ कर साफ करना है, ठीक है। क्योंकि होता है क्या ना कि आप देख सकते हैं कि इसके डॉट्स, इस पर जो डॉट्स बने होते हैं उस पर कार्बन आ जाते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्लैक ब्लैक कलर के देख रहे हैं ये, तो होता है क्या कि कार्बन आ जाते हैं, जिसके वजह से आपका जो कार्टेज होता है वो डिटेक्ट नहीं कर पाता है। तो आपको मैसेज प्रिंटर मैसेज करता है कि आपके प्रिंटर में कार्टेज नहीं लगा है। तो इसको साफ करेंगे टिश्यू पेपर वगैरह से, खूब बढ़िया से इसको साफ करेंगे ताकि इस पर जो भी कार्बन वगैरह है वो हट जाए, ठीक है। और तो चलिए, इतना करने के बाद आपका 110% साफ डिटेक्ट कर लेगा। इससे भी नहीं होता है तो अपने कार्टेज पे जो डॉट्स बने होते हैं उसको क्लीन करेंगे, ठीक है। चलिए अब इसको फिर से हम असेंबल करते हैं। तो फिर कैसे आप असेंबल करेंगे ये हम आपको फिर से अभी बतलाते हैं, ठीक है। फिर सेम प्रोसेस करेंगे जैसे आपने इसको निकाला स्लाइड करके। तो फिर इसको क्या करेंगे, पहले तो ये जो केबल है इस केबल को नीचे इसमें डाल लेंगे, ठीक है। और फिर इसको क्या करेंगे, पीछे की तरफ यहाँ पे दाबेंगे, इसको पीछे करके और इसको आगे स्लाइड करेंगे, ठीक है। स्लाइड करने के बाद ये आपको ये पकड़ लिया है, ठीक है। पकड़ने के बाद इसको फिर ऐसे करके और इसमें फंसा देंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पकड़ लिया है और यहाँ पे ये पॉइंट भी लॉक हो चुका है, ठीक है। आपका केबल भी बाहर आ गया। अब आइए इस पर आते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है कि ये आपको फिर से हेड को बैठाना है। हेड को बैठाने से पहले अपने ये जो है बेल्ट को सेटिंग कर लेनी है कि आपका बेल्ट कहीं फंस तो नहीं रहा। तो इसको ऐसे उठाएंगे और ऐसे ले जाके लगा लेंगे, ठीक है। इसको लगा लेने के बाद फिर वही करेंगे, इधर से इसको पुश करेंगे और इधर आप बेल्ट इस बेल्ट को चढ़ा देनी है, ठीक है। बेल्ट इधर आ गया है, फिर इसको छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद फिर आप क्या करेंगे कि यहाँ से बेल्ट को फिर टाइट कर देंगे। बेल्ट को टाइट कर दिए, फिर अब क्या करना है कि यहाँ पे जो आपका सेंसर है, ठीक है, एनकोडर सेंसर, उसके ठीक बीचों बीच ये आपका निकलना चाहिए। अगर नहीं निकलेगा तो क्या प्रॉब्लम आएगा ये भी हम बतलाएंगे अगले वीडियो में। तो इसके ठीक बीचों बीच लगा रहे हैं और देखिए ये जो ऊपर था तो फिर मैं ऊपर ही लगा रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सेंसर के बीच में बीचों बीच ठीक एकदम बीचों बीच ये आपका निकल रहा है, ठीक है। देखिए ये सेंसर के ठीक बीचों बीच आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको क्या करेंगे, ये लॉक है, लॉक को यहाँ पे रखेंगे ये और यहाँ पे ऐसे ऐसे ये फंस गया, ठीक है। इसके बाद फिर इसमें हम लगाएंगे और यहाँ से ऐसे रख लेंगे, ठीक। और यहाँ पे अब बाई आती यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर एक ऐसे रख लेंगे, दोनों से ऐसे सेटिंग कर लेंगे हल्का सा और फिर इसको यहाँ से पुश करेंगे और इसको चढ़ा देंगे, ठीक है। चढ़ा देने के बाद जैसे छोड़ेंगे ये एकदम टाइट हो गया है, ठीक है। और फिर आप इसके बाद नंबर आती है इसका, ठीक है। तो अब इसको लगाते हैं, ठीक है। तो इसको फिर यहाँ से लगाएंगे, यहाँ से इधर से निकाले थे और फिर ऐसे करके आप लगा देंगे, ठीक है। ये लग गया। बहुत सारे कंडीशन में होता क्या है कि एक साइड में आपको सही से लग जाता है, दूसरे साइड में नीचे से ही निकल जाता है, उस कंडीशन में आपका चलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि दोनों साइड सेम होल में क्रॉस होना चाहिए रॉड, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे सी लॉक लगाने के बाद फिर आप ये जो है इसको स्प्रिंग को यहाँ पे चढ़ा देंगे और ये आपका फिर से जैसे था वैसे हो गया। तो आई होप कि इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आइंदे से कोई प्रॉब्लम आता है तो आप डायरेक्ट मुझे
कॉल भी कर सकते हैं, प्लस कॉल 5 बजे के बाद करें तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। तेरे जैसा यार कहाँ।